acidity, acid reflux, GERD diet, causes, symptoms and home remedies. Hey friends, welcome to Diet Burp. Why starve when you can plan your food? मेरा नाम पायल है और मैं एक registered dietitian हूँ. इस वीडियो में हम discuss करेंगे about acidity, acid reflux और GERD जिसे हम GERD भी कहते हैं. इनके causes, symptoms and home remedies. हम एक simple Indian diet plan for acidity भी देखेंगे ताकि acidity और acid reflux के बारे में आपके मन में जो भी सवाल है हम उनका सोल्यूशन आप तक पहुंचा पाए. तो चलिए हम सबसे पहले देखते हैं कि एसिडिटी किन कारणों से होती है. कॉसेस ऑफ एसिडिटी आर एज फॉलोस. हाई फैटी मील्स. आपने नोटिस किया होगा कि जब भी हम बहुत ज्यादा तला हुआ खाना या फिर फैटी मील्स जैसे कि हलवा पूरी या छोला भटूरा या फ्राइड स्नैक्स जैसे कि समोसा या पकौड़े खाते हैं तो हमें बहुत हैवीनेस फील होती है. पेट फूला फूला लगता है, भारी लगता है. इस फीलिंग को हम ब्लोटिंग कहते हैं. ऐसा खाना खाने से हमारा स्टमक एसिड रिफ्लक्स होता है और ईसोफेगस तक आ जाता है जिससे आपको एसिडिटी यानी पेट और छाती में जलन महसूस होती है. अगला रीजन है ओवर इनटेक ऑफ सिट्रस फ्रूट्स एंड फ्रूट जूसेस. जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं या फिर जो विटामिन सी रिच फ्रूट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज, ग्रेपफ्रूट, लेमन और पाइनएप्पल, इनके जूस को अगर आप ओवर इनटेक करते हैं तो ये आपके स्टमक कंटेंट का पीएच लेवल गिराकर एसिडिटी को बढ़ावा देता है. अगला रीजन है स्पाइसी फूड एंड एक्सेस यूज ऑफ गार्लिक एंड अनियन. एक्सेस यूज ऑफ अनियन और गार्लिक से गैस और इनडाइजेशन जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं. ये एसिडिटी और जलन को ट्रिगर करते हैं. इसीलिए अगर आपको रिपीटेटिव एसिडिटी एपिसोड्स हो रहे हैं तो इन चीजों से आप जितना दूर रहेंगे उतना अच्छा है. नेक्स्ट रीजन इज कॉफी और चाय का ओवर इनटेक. कैफीन, टैनिन्स और जो कोला ड्रिंक्स होती हैं या एनी कार्बोनेटेड ड्रिंक, इनके ओवर इनटेक से एसिडिटी हो सकती है. अगला रीजन है ओबेसिटी. नेक्स्ट रीजन इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल. जो लोग बिल्कुल एक्सरसाइजेस नहीं करते और ज्यादा एक्टिविटी नहीं है जिनके रूटीन में, ऐसे लोगों में डाइजेशन स्लो हो जाता है और ईसोफेजियल स्पिंस्टर वीक हो जाता है जिसके कारण एसिड रिफ्लक्स होता है. नेक्स्ट रीजन इज प्रेगनेंसी. प्रेगनेंसी में जब यूट्रस की साइज बढ़ती है तो आपके स्टमक पर दबाव बढ़ता है, लीडिंग टू रिकरेंट एसिडिटी एपिसोड्स. इनके अलावा एसिडिटी के कुछ और भी कारण हैं जैसे कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में खाना एक साथ खा लेना, दैट इज ईटिंग लार्ज मील्स. खाना खाते ही तुरंत लेट जाना, दैट इज लाइंग डाउन इमिडिएटली आफ्टर अ मील. लेट नाइट स्नैकिंग करना या फिर लॉन्ग गैप्स बिटवीन टू मील्स. इरेगुलर मील टाइमिंग्स, अल्कोहल कंजम्पशन एंड स्मोकिंग, कम सोना या डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न होना, स्ट्रेस के कारण मेडिकेशंस जैसे कि एंटीबायोटिक्स, डिप्रेशन और एंजाइटी मेडिसिंस और बीपी की दवाइयां खाने से एसिडिटी हो सकती है. तो ये थे कॉजेज ऑफ एसिडिटी. आइए अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ एसिडिटी. सिम्टम्स इंक्लूड बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक, चेस्ट एंड थ्रोट, रीगर्जिटेशन ऑफ फूड इन योर थ्रोट, स्टमक अपसेट होने की फीलिंग आना जैसे कि ब्लोटिंग, नौशिया, गैस और अनकंफर्टेबल फील करना. जब आपको एसिडिटी के एपिसोड्स बढ़ जाते हैं यानी कि हफ्ते में 2 से 3 बार या उससे भी ज्यादा अगर आपको एसिडिटी फील होती है तो डॉक्टर्स आपको GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज से डायग्नोज करते हैं. चलिए नाउ लेट्स गेट टू द पॉइंट एंड सी सम इजी सिंपल होम रेमेडीज फॉर एसिडिटी. नंबर 1, कोकोनट वाटर. कोकोनट वाटर में पोटेशियम की मात्रा अच्छी खासी होती है और ये आपके स्टमक एसिड्स को न्यूट्रल कर देती है. नेक्स्ट रेमेडी इज बनाना. कोकोनट वाटर की तरह बनाना भी हाई पोटेशियम फ्रूट है और स्टमक एसिड्स को बफर करता है. अगला रेमेडी है तुलसी के पत्ते. तुलसी के पत्तों को पानी में उबाल लें, फिर इस पानी को ठंडा करके पीने से एसिडिटी में राहत मिलती है. नेक्स्ट रेमेडी इज फेनल सीड्स यानी कि सौंफ. आप अपने खाने के बाद सौंफ को चबाइए या फिर एक्सट्रीम केस में रात भर पिसी हुई सौंफ को पानी में भिगो दीजिए और अगली सुबह इस पानी को ले लीजिए. एसिडिटी जल्द से जल्द खत्म करने में ये मदद करती है. आप सौंफ को पानी में उबाल कर इसे ठंडा कर भी ले सकते हैं. अगला रेमेडी है बटर मिल्क यानी कि छाछ. अगर आप दही में पानी मिलाकर छाछ बनाते हैं और साथ में हल्का जीरा पाउडर और कुछ मिंट लीव्स भी इस्तेमाल करते हैं तो ये एक प्रोबायोटिक ड्रिंक बन जाता है और आपको तुरंत राहत देता है. नेक्स्ट रेमेडी इज सिनेमन. सिनेमन यानी कि दालचीनी को पानी में उबाल कर लेने से एसिडिटी में तो राहत मिलती ही है. ये ड्रिंक सबसे ज्यादा उनके लिए फायदेमंद है
जिनको PCOS, PCOD या शुगर या डायबिटीज का भी प्रॉब्लम हो। अगला रेमेडी है क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरा एसिडिटी और डाइजेशन में यूजफुल है। आप इसे छाछ में या पानी में उबालकर भी ले सकते हैं। इसे दही में या सैलेड पर भी डाल सकते हैं। अगला रेमेडी है जिंजर यानी कि अदरक। अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं। ये एसिडिटी और डाइजेशन में तो बेनिफिशियल है ही, साथ में ये एसिड्स के कारण जो स्टमक सेल्स डैमेज होती हैं, उनको रिपेयर करने में भी हेल्प करती है। दर्द और जलन कम करने में भी हेल्पफुल है। अदरक की एक छोटी सी स्लाइस को काले नमक के साथ में ले सकते हैं। इसे पानी में बॉईल करके भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट रेमेडी इज कोल्ड मिल्क। ठंडा दूध एसिडिटी में तुरंत राहत दिलाता है। नेक्स्ट रेमेडी इज वाटर, अ प्लेन ग्लास ऑफ वाटर। इसका पूरी दुनिया में कोई तोड़ नहीं है। पानी एक ऐसी चीज है जो अगर 3 से 4 लीटर आप हर दिन कंज्यूम करते हैं तो ये कई बीमारियों से आपको छुटकारा दिलाती है, आपके पूरे बॉडी को, पूरे सिस्टम को ठीक रखती है। तो फ्रेंड्स, आपको ये घरेलू उपाय यानी कि होम रेमेडीज तो हमने बता दिए, पर ध्यान रखिए कि एसिडिटी को जैसे ही बढ़ावा मिलता है वो GERD में कन्वर्ट हो जाती है और भी बड़ी बड़ी बीमारियों को अट्रैक्ट करती है, जैसे कि IBD, IBS यानी कि इरिटेबल बाउल डिजीज एंड सिंड्रोम, कोलाइटिस, अल्सर्स, यहाँ तक कि पेट से रिलेटेड कैंसर्स भी। इसीलिए जो भी रीजन या कॉजेज ऑफ एसिडिटी हमने शुरू में डिस्कस किए थे, आपके लिए जरूरी है कि आप अपने एसिडिटी होने के कॉज को यानी उस रीजन को, एसिडिटी की वजह को पहचानें और उसे ठीक करें ताकि एसिडिटी जड़ से खत्म हो सके और आप इन रिस्क से बच सकें। अगर आपको IBD, IBS, कोलाइटिस या अल्सर की प्रॉब्लम्स हैं तो इनसे रिलेटेड डाइट प्लान के लिंक्स हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिए हैं। इन पर वीडियो भी हम जल्द ही बनाएंगे। आइए अब देखते हैं कुछ सिंपल टिप्स जो डेली बेसिस पर आप अपनी लाइफस्टाइल में इंक्लूड करके एसिडिटी और गैस्ट्रिक इश्यूज को हमेशा के लिए अवॉइड कर सकते हैं। नंबर 1, एक हेल्दी बैलेंस्ड डाइट। हमने आपके लिए एक सैम्पल डाइट प्लान फॉर एसिडिटी बनाया है जो इस वीडियो के एंड में है, आप उस डाइट प्लान को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप इज टू रिड्यूस द गैप इन बिटवीन योर मील्स। अगर आपको सीवियर एसिडिटी का प्रॉब्लम रहता है तो आपको इंटरमिटेंट फास्टिंग जैसी डाइट्स को कम्प्लीटली अवॉइड करना चाहिए। अपनी मील्स को ऐसे प्लेस करें कि हर 3rd या 4th घंटे में आप कुछ ना कुछ स्नैक या लिक्विड ले रहे हों। रेगुलराइज योर मील टाइमिंग्स। कोशिश करें कि हर दिन आप उसी टाइम पर अपना ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर करें। इससे बॉडी क्लॉक फर्म हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग होगा और डाइजेशन भी बेटर होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज टू हैव अ गुड नाइट स्लीप। अनडिस्टर्ब्ड 7 आवर्स ऑफ स्लीप के इतने फायदे हैं, ये एक बैकबोन है ऑफ गुड हेल्थ। हमने अपने इस वीडियो में उन फायदों को डिस्कस किया है, आप जरूर से देखें। इसका लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है। कोशिश करें कि अपनी लेफ्ट साइड की जो करवट है उसी पे सोएं ताकि एसिड रिफ्लक्स नहीं हो। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड ट्रिगर्स। हमने शुरुआत में जो फूड डिस्कस किए थे जो एसिडिटी को ट्रिगर करते हैं, उन फूड से आप दूर ही रहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज टू अवॉइड अल्कोहल एंड स्मोकिंग। नेक्स्ट टिप इज अवॉइड कैफीन एंड कार्बोनेटेड ड्रिंक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सरसाइज, जैसे कि वॉकिंग, योगा, जिम, स्विमिंग और मेडिटेशन। इनको आप डेली प्रैक्टिस करिए। ये एक्सरसाइजेस स्ट्रेस रिलीव करती हैं और आपके माइंड एंड बॉडी को एक्टिव रखती हैं। एक्सरसाइजेस से आपके जो स्टमक एसिड्स हैं वो भी एक रेगुलेटेड फॉर्म में सिक्रीट होंगे और एसिडिटी को ठीक करने में आपकी हेल्प करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज अवॉइड मेडिकेशंस। जितना कम दवाइयाँ आप लेंगे, आप अपनी बॉडी को उतना कम टॉर्चर करते हैं और एसिडिटी जैसी प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। घर का बना सिंपल खाना मोस्टली हर मर्ज की दवाई है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चाहें तो हमसे अपना पर्सनल डाइट प्लान भी बनवा सकते हैं। हमें ईमेल करिए care@dietburb.com पर विद योर मेडिकल इश्यूज एंड डिटेल्स एंड वी विल गेट बैक टू यू। चलिए अब हम देखते हैं एक सैम्पल डाइट प्लान फॉर एसिडिटी एंड गर्ड। एम्प्टी स्टमक पर सुबह सुबह उठते ही आपको लेना है 1/2 टीस्पून दालचीनी पाउडर इन 1 कप ऑफ हॉट वाटर और साथ में लीजिए 1/2 एप्पल। उठने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर ही आपको अपना ब्रेकफास्ट लेना है। सपोज आप 6:00 इन द मॉर्निंग उठते हैं तो अराउंड 9:00 तक आप अपना ब्रेकफास्ट कर लीजिए। आपको लेना है 1 बोल ओट्स एंड मिल्क या फिर 1 बोल रवा उपमा विद वेजीज। ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद मिड मॉर्निंग टाइम पे आप ले सकते हैं 1 ग्लास कोकोनट वाटर। अगर आप इस टाइम पे ऑफिस में होते हैं या फिर कोकोनट वाटर नहीं ले सकते तो मेक इट अ पॉइंट टू ड्रिंक अ प्लेन ग्लास ऑफ वाटर। मिड मॉर्निंग स्नैक के 2 घंटे बाद आपको लेना है अपना लंच, दैट इज अराउंड 12:00।
आप ले सकते हैं एक बोल सैलेड, साथ में लीजिए 2 से 3 फुलका या चपाती। इसके साथ लीजिए एक बोल सब्जी, जो कलरफुल वेजिटेबल्स होते हैं जैसे डार्क ग्रीन, रेड, ऑरेंज, येलो वेजिटेबल्स, ये आपको ज्यादा फायदा करेंगे। इसके साथ आप लीजिए 1 कप दाल या कढ़ी या सांबर या कर्ड। खाने के 2 घंटे बाद आप ले सकते हैं 1 ग्लास बटर मिल्क, इसमें आप जीरा पाउडर और मिंट लीव जरूर से डालें, या फिर आप ले सकते हैं कोकम का शरबत। इसके 2 घंटे बाद यानी इवनिंग में अराउंड 4 o'clock आप लीजिए 1 अनार या फिर 1 बोल वाटरमेलन या फिर 1 बनाना। डिनर कोशिश करके जल्दी ले लीजिए अराउंड 7 o'clock। आप इसमें ले सकते हैं 1 कप वेजिटेबल सूप, साथ में लीजिए 1 बोल दलिया का उपमा या फिर खिचड़ी। अगर आपको उस दिन एसिडिटी महसूस हो रही है और जलन कुछ ज्यादा ही है तो आप कर्ड राइस भी ले सकते हैं। जी हाँ, रात में भी कर्ड राइस ले सकते हैं अगर आपको एसिडिटी का प्रॉब्लम हो तो। अगर आप किसी भी कारण से इतना जल्दी डिनर नहीं कर सकते हैं तो कोई बात नहीं, आप अपने पॉसिबल टाइमिंग पर ही डिनर करिए। बस डिनर से पहले 1 स्लाइस अदरक ले लीजिए और उस पे काला नमक लगाकर इस स्लाइस को अपने मुंह में रख लीजिए, फिर 10 मिनट बाद आप अपना डिनर कर लीजिए, इससे डाइजेशन अच्छा होगा। बेड टाइम पर यानी सोने से पहले आप लीजिए 1 ग्लास ठंडा दूध या फिर आप चाहें तो बटर मिल्क भी ले सकते हैं, या फिर आप सौंफ का पानी और 1/2 एप्पल भी ले सकते हैं। अगर खाना खाने के बाद आपके पास टाइम है तो 10 से 15 मिनट की वॉक जरूर से करें, इससे डाइजेशन बहुत अच्छा होगा। इस इन्फॉर्मेशन को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ जरूर शेयर करिएगा। इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह साइंटिफिकली करेक्ट और प्रैक्टिकली पॉसिबल इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अवर वीडियो। हैप्पी ईटिंग।